हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कुरकुरी वाली बेसन मिर्च की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। इसे आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे तो ये टेस्ट को डबल कर देगी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल लिया है और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें हमने जीरा डाल दिया है। जब जीरा अच्छे से पक जाए तो हम इसमें ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो मैंने हरी मिर्च को यहाँ पर इस तरह से गोल गोल कट किया है और अब हम इसे अच्छे से तेल में फ्राई होने देंगे। तो अच्छे से हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि थोड़ी सी आपको इसमें स्मेल भी आएगी। तो हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसे हम इसी तरह एक दो मिनट के लिए और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर और भी अच्छे से चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे इसलिए ज्यादा पका रहे हैं क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी करना है। तो अब हम यहाँ पर थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये मिर्च आपकी काफी दिन तक रह जाती है, स्टोर कर सकते हैं आप इसे लगभग 10 दिन के लिए। आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। हम इसमें 1 चम्मच बेसन और डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको जितना लगे बाद में, 1 चम्मच या 2 चम्मच, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बाद में भी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो इसे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन और डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन और डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब हम इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारी जो ये मिर्च है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जो ये बेसन है वो भी अच्छे से पक जाए। तो बस इसी तरह हम इसे पकाते रहेंगे, इसे 4-5 मिनट तक इसी तरह करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्च बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। मैं इसे इसी तरह कंटिन्यू 4-5 मिनट तक चलाते जा रही हूँ और जब ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको इसकी साउंड से ही पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा खट्टा आ जाएगा, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसका तीखा भी कम हो जाएगा। तो बस ये हमारे मिर्च लगभग बनकर तैयार है। इसी तरह हम इसे 1 मिनट तक और अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो नींबू है वो भी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये मिर्च बिल्कुल खुली खुली है, बेसन डालने से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी भी है। तो बस ये हमारी बेसन वाली कुरकुरी मिर्च बनकर तैयार है। इस तरह से आप इसे जरूर बनाइए, आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। तो इस तरह से बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कुरकुरी मिर्च कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।